हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बी एस सी ए जी सिक्स सेमेस्टर को लेकर, जो हमारे प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर हुआ था उसका फुल सोल्यूशन के बारे में। तो गाइस, ये जो पेपर था हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशनल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्राप, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों हमारे पास जो सीरीज है ये डी है, और इसके बारे में दोस्तों प्रीवियस ईयर में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कार्डियल बनाने हेतु उपयुक्त फल है। दोस्तों कार्डियल बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? आम, सेब, संतरा, आंवला। तो करेक्ट आंसर इसका होगा वो हमारा आंवला। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट दिया गया है कि फलों की डिब्बाबंदी इस गोल में होती है। दोस्तों फलों की डिब्बाबंदी इस गोल में होती है, किसमें होती है? ब्राइन में, सिरप में, पानी में, या इनमें से ब्राइन और सिरप में। तो क्या होगा दोस्तों, जो फलों की डिब्बाबंदी होती है किसमें होती है? वो होती है सिरप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर टू का। टू के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। दिया गया सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी है। दोस्तों सुखाने हेतु उपयुक्त सब्जी है कौन सी है? लौकी है, करेला है, कद्दू है, या फिर उपयुक्त सब्जी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री का वो हमारे करेला राइट होगा इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में। नेक्स्ट दिया गया है कि आम का भंडारण हेतु तापमान कितना होता है? दोस्तों आम का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? 0.5, 7 से 8, 1 से 2, या 2 से 4। तो दोस्तों जो स्टोरेज टेम्परेचर मैंगो का होता है क्वेश्चन नंबर फोर है। फोर का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस उसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया 7 से 8। तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर फोर का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि सब्जियों को 2 से 5 मिनट उबालकर ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? कहलाती है हमारी ब्लांचिंग। ब्लांचिंग ऑप्शन नंबर हमारा जो है गाइस ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। दिया गया सौर ऊर्जा शीतन ग्रह का आविष्कार कहाँ हुआ? दोस्तों सौर ऊर्जा शीतन ग्रह का आविष्कार कहाँ हुआ? ये हुआ है IARI में। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। सिक्स का चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि प्याज का भंडारण हेतु आर्द्रता उपयुक्त प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों 80 से 90, 90 से 95, 85 से 90, या 70 से 80। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर जो रहेगा गाइस वो हमारा 60 से 70। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में। दिया गया काली गर्दन की समस्या होती है। दोस्तों ब्लैक नेक की समस्या किसमें होती है? जैम में, जेली में, मुरब्बा में, सॉस में? तो करेक्ट आंसर दोस्तों यह सॉस रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर एट का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में कि जेली के अंतिम बिंदु का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों जेली के अंतिम बिंदु का जो तापमान होता है कितना होता है? 100, 105, 115 या 38। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 105। ऑप्शन हमारा वी राइट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। नाइन के चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में। दिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जैम, कार्डियल, शराब, या अचार? तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन का हमारा क्या रहेगा? टेन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अचार। तो ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस अचार। तो अचार हमारा इसमें पिकल जो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा अचार क्वेश्चन नंबर टेन का। टेन का चलते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन में। दिया गया है कि माइकोटॉक्सिन पैदा करते हैं। दोस्तों माइकोटॉक्सिन पैदा क्या करते हैं? जीवाणु, खमीर, मोल्ड, या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर अलेवन का? अलेवन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मोल्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बारह में। दिया गया प्रतिजैवी जिसका प्रयोग संरक्षण में होता है, तो किसका होता है? नाइसिन का, पैरामिसिन का, सेटिडिस का, उपयुक्त सभी का? तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो रहेगा वो दोस्तों सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का। ट्वेल्व के चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह में। दिया गया है कि टमाटर में निर्मित पदार्थों के निर्जलीकरण का ताप कितना होता है? तो कितना होता है? 115, 100, 80, 72। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट दिया गया है कि सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल है। दोस्तों सिरका बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? आम, जामुन, अमरूद, या केला? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट रहेगा, जामुन। जामुन सिरका बनाने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि लाइव ब्लींचिंग इस नाम से भी जाना जाता है। लाइव ब्लींचिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, रासायनिक ब्लीचिंग यानी पिलिंग। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह का। पंद्रह का चलते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह में। प्री कूलिंग पूलिंग का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों प्री कूलिंग का जो उद्देश्य होता है फील्ड हीट को कम करना, आर्द्रता को कम करना, पानी को कम करना, या उपयोग सभी? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फील्ड हीट को कम करना। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर सोलह का। सोलह को चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह में। जब फल एवं सब्जियों का पूर्ण रूप से भौतिक वृद्धि कर देते हैं तो कहलाता है? तो उसमें क्या कहलाता है? वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर सत्रह का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह में। दिए बीज का रंग देखकर इस
फल की परिपक्वता ज्ञात करते हैं किसमें करते हैं दोस्तों, वो करते हैं पपाया में। पपाया ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, मान क्लाइमेट्रिक फल कौन सा है दोस्तों। जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है आम, केला, पपीता या जामुन, तो दोस्तों वो हमारा होगा जामुन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में जो दिया गया है कि उच्च सुगंध वाला फल है कौन सा है, केला, सेब, आंवला या जामुन, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा, केला। गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि इथिलीन शोषक कार्य है दोस्तों, इथिलीन किसका कार्य है, AgNO3, KMnO4, C2O2 या उपयुक्त में से सभी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट रहेगा, KMnO4। नेक्स्ट होगा कि शीघ्र शराब होती है, शीघ्र शराब होने वाला फल है जो, सॉरी गाइस, शीघ्र खराब होने वाला फल है कौन सा है, कौन सा है, अमरूद, केला, जामुन, सेब, तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो जामुन, ऑप्शन हमारा सी राइट रहेगा, शीघ्र खराब होने वाला फल। नेक्स्ट है पादप हार्मोन जो रीग्रेनिंग से उत्पन्न होते हैं कौन से होते हैं, इथेनॉल, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन, ऑप्शन बी 23 का। नेक्स्ट दिया गया है कि इसमें सभी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं दोस्तों, सभी सूक्ष्मजीव किसमें मर जाते हैं, पाश्चुरीकरण में, स्टेरिलाइजेशन में, ड्राइंग में, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी राइट रहेगा, स्टेरिलाइजेशन में सभी जीव मर जाते हैं, 24 का। नेक्स्ट आएगा कृत्रिम रूप से फल एवं सब्जियों की ऊपरी सतह पर मोम लेपन कहलाता है, क्या कहलाता है, बैक्सिंग, इमाइलिसिंग, कोटिंग या पिल्सिंग, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो बैक्सिंग, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 25 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया, सब्जियों की साफ सफाई करना कहलाता है, क्या कहलाता है, एसेसिव ग्रेडिंग, सेटिंग या ट्रिमिंग, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो एसेसिव, ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया कार्बनीकृत पेय पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों, कार्बनीकृत पेय पदार्थ का उदाहरण क्या है, पेप्सी, जौ जल, साइडर या बियर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पेप्सी, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके बाद नेक्स्ट दिया है 28 किड़वन द्वारा प्राप्त पेय पदार्थ कौन सा है, कार्डियल, स्वेक्स, सिरप या स्पाइडर, साइडर, तो करेक्ट आंसर हमारा साइडर रहेगा, ऑप्शन डी राइट रहेगा 28 का। नेक्स्ट चलते हैं खमीर इस ये तो जिम्मेदार है तो दोस्तों किसके लिए, डिहाइड्रेशन, फर्मेंटेशन, सल्फिटेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों वो होते हैं फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 29 का। नेक्स्ट ये होगा मुरब्बा बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है, आम, सेब, पपीता, आंवला, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंवला मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त होता है। गाइस नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें सैपनिंग पाया जाता है, सैपोनिन पाया जाता है, सैपोनिन किसमें पाया जाता है, फूलगोभी, मटर में, टमाटर में, बैंगन में, करेक्ट आंसर पी यानी कि मटर में। नेक्स्ट दिया गया है एंजाइम जो रंगों को उड़ा देते हैं दोस्तों, जोन से एंजाइम रंगों को उड़ा उन्हें क्या कहते हैं, परऑक्सीडेज, पॉली फिनाइल ऑक्सीडेज, स्टरेज या एमाइलेज, तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों पॉली फिनाइल ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी राइट रहेगा 32 का। नेक्स्ट दिया गया रंगीन पदार्थों हेतु उपयुक्त संरचक है तो दोस्तों कौन है, KMS, सोडियम बेंजोइट, साइट्रिक अम्ल या एस्टिक अम्ल, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सोडियम बेंजोइट, ऑप्शन बी राइट होगा 33 का। नेक्स्ट दिया गया है वह एंजाइम जो दुर्गंध पैदा करता है दोस्तों, कौन सा एंजाइम है जो दुर्गंध पैदा करता है, वो है परऑक्सीडेज, तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा 34 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है नमक का प्रतिशत जो संरक्षक का कार्य करता है दोस्तों, कितने परसेंट नमक संरक्षक का कार्य करता है, 9%, 5%, 15% या 4%, तो करेक्ट आंसर दोस्तों 15% हमारा ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ने दिया सिरका में पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, फ्यूमेसिक अम्ल या उपयुक्त में से सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एसिटिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें इससे बैनी फेनी बनाई जाती है दोस्तों, फेनी किससे बनाई जाती है, आम से, सेब से, काजू से, आमले से, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा काजू से, 37 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है काजू से। नेक्स्ट दिया गया है कि एग्जॉस्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, एग्जॉस्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हवा को निकालना, पानी को निकालना, गर्मी निकालना या उपयुक्त सभी, दोस्तों जो बोतल वगैरह होते हैं उनसे हवा को निकालने की क्रिया को एग्जॉस्टिक कहा जाता है, 38 का ए होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि जैम का संरक्षण किसके द्वारा होता है, जैम का संरक्षण किससे होता है, चीनी से, साइट्रिक अम्ल से, नमक से या KMS से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा चीनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि फल एवं सब्जियों में धूप को सुखाना कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन या उपयुक्त सभी, दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए है, सॉरी 40 है, 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ड्राइंग यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा
40 का, इसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, जैम बनाने हेतु उपयुक्त है। जैम किसको बनाने के लिए उपयुक्त है? गुदेदार फल, जूसी फल, पेक्टिन फल, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप ए होगा, यानी कि पल्पी फल, यानी गुदेदार फल के लिए जैम उपयुक्त है। 41 का ए राइट रहेगा। नेक्स्ट, जेलीमीटर का प्रयोग किस ज्ञात करने हेतु होता है? दोस्तों जेलीमीटर का जो प्रयोग है इसे किसके लिए ज्ञात करने के किया जाता है? पैक्टिन ग्रेड, नमक का मात्रा, जेली की अंतिम बिंदु, या तापमान। तो करेक्ट आंसर दोस्तों पैक्टिन ग्रेड, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। 42 का, 42 के बाद चलते हैं क्वेश्चन 43 में। जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? दोस्तों जेली बनाने हेतु जो उपयुक्त फल है हमारा वो है आंवला, या फिर आम, कैथा, या अनानास। तो दोस्तों जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है वो हमारा है 43 का, जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि कैथा। कैथा जो है दोस्तों ये जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। नेक्स्ट दिया गया है कि आंवले, आंवले में इसकी अधिकता होती है। दोस्तों आंवले में किसकी अधिकता होती है? तो फिनाइल, विटामिन सी, विटामिन ए, बी, फैक्ट, मिनरल्स तथा उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंवले में अधिकतम मात्रा होती है, तो दोस्तों वो विटामिन आप सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया गया 45, 45 में दिया है स्थायी परीक्षण की विधि का उदाहरण है। दोस्तों स्थायी परीक्षण की विधि का उदाहरण क्या है? एसएसएस, वैक्सीज, स्टरलाइजेशन, या पाश्चरीकरण। तो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो ऑप्शन सी, स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45 का नेक्स्ट दिया गया 46 दिया है डिब्बाबंदी के जनक कण हैं। दोस्तों वो कौन से हैं? वो निकोलस एफर्ट, ऑप्शन ए राइट होगा। 46 का नेक्स्ट है 47, पीएफओ की शुरुआत कब हुई? 1950, 55, 80, या 65। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 1955, ऑप्शन बी राइट होगा। 47 का नेक्स्ट दिया गया है कि फल एवं सब्जी है तो फ्रीजिंग तापमान होता है। दोस्तों फल सब्जियों का जो फ्रीजिंग ताप टेम्परेचर होता है कितना होता है? 0 से 18, 0 से 5, 0 से 10, या 0 से 15 सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए, 0 से 18। 48 का ऑप्शन जो ए है राइट है। नेक्स्ट है 49 कि इस यंत्र से टीएसएच की मात्रा नापते हैं। दोस्तों कितने नापते हैं? जेलीमीटर, सेरिनोमीटर, रिफ्रेक्टोमीटर, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों रिफ्रेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है 49 का। नेक्स्ट है 40 के बाद 50 नंबर की आरटीएस जूस का प्रतिशत होता है। दोस्तों कितना होता है? 10%, 15%, 20%, या 30%। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 10% आरटीएस में जूस का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है अचार का संरक्षण होता है। अचार का संरक्षण कैसे होता है? दोस्तों पिकल का जो प्रिजर्वेशन होता है कैसे होता है? नमक से, सिरका से, तेल से, सभी से। तो करेक्ट आंसर अला वो होगा यहाँ पर 51 का डी। नेक्स्ट है फल संरक्षण की डिब्बाबंदी संस्थान स्थित है। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। तो करेक्ट आंसर लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा 52 का। नेक्स्ट है 53 सब्जियों का प्रोसेसिंग तापमान होता है। जो सब्जियों का प्रोसेसिंग तापमान होता है कितना होता है? 180, 115, या 60। तो सब्जियों का प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी राइट होगा 53 का। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 54 कि पानी और नमक का घोल होता है कैसा होता है? सीरप, ब्राइन, सेलाइन वाटर, या उपनों से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है वो ब्राइन, ऑप्शन बी राइट होगा। पानी और नमक का घोल होता है ब्राइन, ऑप्शन बी राइट होगा 54 का। नेक्स्ट दिया गया है कि इनमें से कौन सा परिवेक्षक नहीं है? कौन सा परिवेक्षक नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि एस्टिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, नमक, या चीनी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा 55 का। नेक्स्ट है 56 की स्पोर बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो दोस्तों वह है बैसिलस सबटिलियस, बैक्सिलस सबटिलियस, बैसिलस माइक्रोटा, बैक्सिलियस बिल्डी, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 56 का? 56 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए, बैसिलस सबटिलियस, ऑप्शन ए राइट होगा 56 का। नेक्स्ट दिया डिब्बाबंदी है तो सर्वाधिक उपयुक्त सब्जी कौन सी है? मटर, गोभी, बैंगन, आलू। तो डिब्बाबंदी के लिए दोस्तों मटर हमारा ए राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए 57 का। नेक्स्ट दिया गया है गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब वाला बटन। नेक्स्ट है सब्जी जिसका प्रयोग मुरब्बा बनाने के लिए होता है, आलू, टमाटर, बैंगन, या कुम्हेड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वो होगा कुम्हेड़ा, ऑप्शन हमारा डी राइट होगा 59 का। 59 देखते हैं, 59 में जो दिया है टमाटर का कैचअप टीएसएस होता है। दोस्तों टमाटर का कैचअप में जो टीएसएस होता है कितना होता है? 25, 20, 12, या 10%। करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा 25%। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सीएसटीआरआई स्थित है कहाँ है? दोस्तों मैसूर में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या मुंबई में। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों मैसूर में, ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा। गाइस अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।